પોણા ટકા સુધીનો ઘટાડો થયો હતો ત્યાંથી હવે અત્યારે આપણે 11 ટકાના ઘટાડા સાથેનો કારોબાર જોઈ રહ્યા છે અને ત્યારે જ યુપીના દબાસા પ્લાન્ટ પર યુએસએફડીએ તરફથી 2483 ના ફોર્મ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે જે એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે જો કે આ અવલોકન એટલા ગંભીર નથી એમ કંપનીએ કહ્યું છે શું અસર રહી શકે છે એના પર વધુ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે એન્જલ બ્રોકિંગના ફાર્મા એનાલિસ્ટ સરબજીત કોર નાગરા સરબજીત સ્વાગત હૈ સીએનબીસી બજાર મેં કિસ તરહ સે દેખ રહે કલ હમને એક અચ્છી ખબર આતી હુઈ દેખી આજ હમ ફિર સે દેખ રહે કે યુએસએફડીએ કી તરફ સે એક એલર્ટ ઓર ડેક આતા હુઆ દિખ રહા હૈ देखिए 483 जो है एक ऑब्जर्वेशन का ही तरीका लेकिन हाँ अभी इट्स नॉट आइदर इम्पोर्ट अलर्ट भी नहीं वार्निंग लेटर भी नहीं तो उतना सीरियस नहीं और कंपनी ने कहा है कि वो इसको मानते हैं वो इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं तो फिलहाल इतना बड़ा कोई इशू लगता नहीं बट यूएसएफडीए के हिसाब से जो है कुछ कहा भी नहीं जा सकता बिकॉज यूएसएफडीए जब तक क्लियरेंस ना मिले वो थोड़ा प्रॉब्लम में रहता है लेकिन फिलहाल तो नंबर्स पे या फिर किसी भी आउटलुक पे फिलहाल तो मुझे नहीं लगता वो फर्क पड़ना साथ ही एक चीज और भी जानना चाहेंगे कल हमने जिस तरह से एक मेजर फैसिलिटी जो है ल्यूपिन की जो यूएस में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है वहां पे एक यूएसएफडीए की तरफ से क्लैरिटी आती हुई दिखी है आज के दिन में हम ये 483 के जो एक स्थिति देख रहे हैं फाइनेंशियल जो है रेवेन्यू जो फ्रंट है वहां पे इसकी कोई इम्पेक्ट आती हुई आपको दिख रही है देखिए पॉजिटिव न्यूज था ऑब्वियसली और ल्यूपिन ने एक्चुअली लार्ज कैप्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ल्यूपिन ही एक कंपनी है जिसने यूएसएफडीए जो इश्यूज है वो जल्दी और अच्छी तरह से इफेक्टिवली हैंडल किए कंपेयर टू अदर कंपनी तो एक तरह से ट्रैक रिकॉर्ड उनका वापस से हो गया कि उन्होंने इस चीज से जल्दी निकलना है तो एक तरह से अच्छा है बट हाँ उनके जो जो अप्रूवल्स हैं उनको थोड़ा वहां से आने को थोड़ा टाइम लगेगा बट आई थिंक नॉनदलेस वो पॉजिटिव न्यूज ही है ओके साथ ही एक चीज और भी जानना चाहेंगे ओवरऑल जिस तरह से अभी यूएसएफडीए की तरफ से काफी सारी ऐसी फार्मा कंपनीज हैं ल्यूपिन के अलावा भी जहां पर काफी सारी परमिशंस भी दी गई है जैसे हम अरबिंदो फार्मा देखे तो बहुत सारी उनको परमिशंस भी यूएसएफडीए की तरफ से मिली है और काफी सारी ऐसी कंपनीज है जहां पे ये अलर्ट जो स्थिति हुई थी जो जांच हुई थी उसके बाद अभी रिपोर्ट आनी बाकी है क्या स्थिति लग रही है आपको यहाँ पे कुछ अंदाजा लगा सकते हैं फार्मा सेक्टर के लिए देखिए फार्मा पर से हमारा मानना है कि यूएसएफडीए एक ऐसा इवेंट बन चुका है कि उसको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है फार्मा के लिए तो हमारा एक तरह से एक इजी वे आउट है वैसे तो नॉर्मली किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करें तो ये सबसे बेस्ट तरीका आप उन कंपनीज को जो ब्लू चिप है उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है उनको जो है आप जो है इजीली आप उनको जो है उस भाव पे ले अपनी वैल्यूएशन पे ले जिसमें कि रिस्क जो है वो मिटिगेट हो जाता उस लेवल पे तो हमारे ख्याल से फार्मा जो है जैसे अभी लुपिन है ये पहले स्टॉक काफी आगे चला था और उसके बाद जो है जब यूएसएफडी की न्यूज आई तो काफी गिरावट भी देखी गई तो अभी जो है वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है तो ऐसी कंपनीज जो फार्मा में हैं कई हैं जिनके बैड न्यूज के चलते वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हैं तो हमारा मानना है कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टर्स इस टाइम पे निवेश कर सकते हैं उसमें एक सन फार्मा भी आता है तो ऐसी वैसे इवेंट्स जो है वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स को एक वो मिल जाता है एंट्री पॉइंट मिल जाता है तो लुपिन हो गया सन फार्मा जबकि आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन मैनेजमेंट जो है अभी यूएसएफडी इशू इतना कॉमन हो गया है कि मैनेजमेंट थोड़ा इसमें से जल्दी निकल आते हैं और उन्होंने काफी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बेस अपना बड़ा कर रखा है ताकि एक प्लांट पे डिपेंडेंट भी नहीं है तो काफी मिटिगेटिंग रिस्क फैक्टर्स करके रखे हैं तो इतना नंबर्स पे इम्पैक्ट नहीं आता है अगर लार्ज कंपनी हो अगर कॉन्सेंट्रेटेड कंपनी हो जैसे इप्का लैब्स है मिड कैप है उसमें उनका ज्यादा एक्सपोजर यूएस में जो है फ्यू प्लांट से आता है तो वहां पे रिस्क ज्यादा हो जाता है जबकि लुपिन जैसी बड़ी कंपनी है जहाँ पे 10-12 आपके पास 5-6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो केटर करते हैं तो रिस्क कम हो जाता है तो ऐसी कंपनीज में लार्ज कैप्स में ऐसे इवेंट रिस्क में जब वैल्यूएशन को अच्छा बैठ जाता है तो उस लेवल पे ले लेना चाहिए तो हम यही एक तरीका है इस सेक्टर को में वेल्थ क्रिएट करने का
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत जी यहाँ पे वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अनादर में नतीर आप जो शक्य है कि एलेम्बिक फार्मा